सीएसएस गुप्ता, आप देख रहे हैं इजी टेक सॉल्यूशन। आज मैं आपको 10 नंबर के बारे में बताऊंगा कि 10 नंबर क्या होता है। ठीक है, 10 नंबर की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन ओब्लिक कलेक्शन अकाउंट नंबर। 10 नंबर लेने की जरूरत किन पर्संस को है? 10 नंबर की जरूरत उन पर्संस को है कि जिन पर्संस को अगर टीडीएस डिडक्ट करना हो या टीसीएस कलेक्ट करना हो। लेकिन अगर किसी पर्सन को सेक्शन 194 IA में, सेक्शन 194 IB में और सेक्शन 194 M में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो भी उसे 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 नंबर की जगह उसका पैन नंबर यूज किया जा सकता है। तो हमारी फर्स्ट लाइनिंग क्या है कि 10 नंबर टू बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ओब्लिक कलेक्शन ऑफ टीडीएस ओब्लिक टीसीएस एक्सेप्ट फॉर सेक्शन ऑफ 194 IA, सेक्शन 194 IB एंड सेक्शन 194 M। अब 10 नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? 10 नंबर का जो फॉर्मेट है उसके पहले 4 डिजिट अल्फा होते हैं और नेक्स्ट 5 डिजिट न्यूमेरिक होते हैं एंड लास्ट डिजिट अल्फा होता है। अब मान लीजिए एक कोई दिल्ली का असेसी है, वो 10 नंबर अप्लाई करता है। तो जो दिल्ली का असेसी है उसका नाम है आशीष गुप्ता, तो जो 10 नंबर होएगा उसके फर्स्ट 3 डिजिट्स असेसी का ज्यूडिक्शन कोड दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली का था वो पर्सन, तो पहले 3 डिजिट जो होंगे DEL होएगा, और जो दिल्ली के असेसी का नाम है वो है आशीष गुप्ता, तो उसका 4th डिजिट हो जाएगा A। जो नेक्स्ट 5 डिजिट्स हैं जो कि न्यूमेरिक होते हैं वो सिस्टम ऑटो जनरेट करता है और लास्ट डिजिट भी ऑटो जनरेट करता है। जो पहले 3 अक्षर होते हैं वो कौन से होते हैं? ज्यूडिक्शन कोड के। वो 4th डिजिट होता है असेसी का जो फर्स्ट नेम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम थोड़ा बहुत बेसिकली ये देख लेते हैं कि टीडीएस क्या होता है और टीसीएस क्या होता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें 10 नंबर लेना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। थोड़ा सा एक बार आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए पप्पू ने रामू को पेमेंट करनी है 40,000 रुपए इंटरेस्ट की, और पप्पू वो पर्सन है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना होता है एट द रेट ऑफ 10%, मतलब कि 4,000 रुपीज। अब जो पप्पू है वो 4,000 रुपए डिडक्ट कर लेगा और 36,000 रुपीज की पेमेंट कर देगा रामू को। मीन्स क्या निकला कि जो पेयर है वो पेई को पेमेंट करने से पहले टैक्स की अमाउंट जो कि इनकम टैक्स लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखी है वो डिडक्ट कर लेते हैं और रिमेनिंग अमाउंट पेई को पे कर देते हैं। एक बार इसे रीड भी कर लेते हैं। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड बाय द पेयर एट द टाइम ऑफ अक्रूअल ऑफ पेमेंट। एक बार मैं इसे समझा देता हूं। एट द टाइम ऑफ अक्रूअल ऑफ पेमेंट, अब मान लीजिए वही एग्जाम्पल जो मैंने कहा था कि पप्पू ने रामू को इंटरेस्ट पे करना है 40,000 रुपीज का, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 31 मार्च में एंट्री डाल देता है कि मुझे रामू को 40,000 रुपीज इंटरेस्ट के पे करने हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पे करता है उसे 3 महीने के बाद। तो टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी कब आएगी? जो इन दोनों में से पहले होएगा, जब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करता है या जब उसे वो पे करता है। तो टीडीएस कब डिडक्ट करना पड़ेगा उसे? 31 मार्च को। तो एक बार दोबारा रीड करते हैं। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड बाय द पेयर एट द टाइम ऑफ अक्रूअल और पेमेंट ऑफ सच इनकम टू द पे। एग्जाम्पल वही है जो मैंने आपको अभी समझाया कि पप्पू लाइबल है 40,000 रुपए इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो पप्पू ने 4,000 रुपए उसका टीडीएस डिडक्ट कर लिया और 36,000 रुपए रामू को पे कर दिए।
अब मैं आपको समझाता हूं टीसीएस के बारे में, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टीडीएस और टीसीएस में क्या फर्क है? टीडीएस में पेयर पेई को अमाउंट पे करने से पहले कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेता है टैक्स के रूप में, जबकि टीसीएस के अंदर जो कलेक्टर है, जो अमाउंट को रिसीव कर रहा है, वो पेयर से प्लस टीसीएस के अमाउंट फर्दर रिसीव करते हैं, ना कि उसकी डिडक्ट होती है। अब मान लीजिए एक कस्टमर है, पप्पू गया मारुति की कंपनी में, उसने 15 लाख रुपए की गाड़ी बुक करवाई। अब कंपनी पप्पू को क्या कहेगी कि आपको ये 15 लाख रुपए तो पे करने ही करने हैं, प्लस में 1% इसके ऊपर टीसीएस भी हमें फर्दर देना पड़ेगा, 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो कंपनी उससे 15 लाख प्लस में 15,000 रुपए, 15 लाख 15,000 रुपए कलेक्ट कर लेगी। तो अभी किस्त में टीसीएस हुआ हमारा 15,000 रुपए। अब आपके माइंड में ये आएगा कि जो पहले केस में मैंने बताया था टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, और दूसरे केस में मैंने कहा कि कार कंपनी टीसीएस कलेक्ट कर लेती है, ये जाते कहां पर है पैसे? ये पैसे इन्हें डिडक्ट करके या कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, वो उनके थ्रू 10 नंबर के ही थ्रू पे होते हैं, इसी वजह से इन असेसिज को 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये समझाया था कि हर एक असेसी को 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट है अगर उसे टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन किन किन को जरूरत नहीं है, सेक्शन 194 IA के लिए, सेक्शन 194 IB के लिए और सेक्शन 194 M के लिए। एक बार ब्रीफली हम इन्हें भी समझ लेते हैं। सेक्शन 194 IA क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, मतलब कोई जमीन खरीदता है या कोई बिल्डिंग खरीदता है, और उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर है, तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 1%। मतलब कि बायर को सेलर को जो पेमेंट देनी है उसमें से 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बायर प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो उसे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 194 आइए देखते हैं क्या कहता है। इफ ए पर्सन परचेजेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड एक्सीडिंग ₹50 lakh, देन ही इज लाइबल टू डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट 1%। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 194 IB क्या कहता है? सेक्शन 194 IB कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल या HUF रेंट को पे करता है पर मंथ 50,000 rupees से ज्यादा, तो उसे TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 5%। सेक्शन 194 M, सेक्शन 194 M क्या कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल या HUF किसी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के लिए या कोई कमीशन पे करता है, प्रोफेशनल फीस पेड करता है 50 लाख रुपए से ज्यादा 1 साल में, तो उसे TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 5%। अच्छा फ्रेंड्स, सेक्शन 194 IB और सेक्शन 194 M में मैंने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल या HUF पे करता है, लेकिन ये इंडिविजुअल या HUF वे पर्सन होंगे जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते। जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होते हैं उनके लिए अलग से सेक्शन है, सेक्शन 194 IB और सेक्शन 194 M उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते, और सेक्शन 194 IA सभी के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट सेशन में हम आपको समझाएंगे कि 10 नंबर प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। हम प्रैक्टिकली साइट पे जाके आपको 10 नंबर अप्लाई करके भी दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।